गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं जिसका नाम है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम क्या होती हैं? एल्गोरिथम हमारी एक सेट होता है ऑफ अ सेट बाय सेट इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम जो होती हैं वो एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमें फॉलो प्रोग्राम बनाने से पहले फॉलो करनी पड़ती है। कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं वो सबसे पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं जिससे कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और इजीली सॉल्व कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स को। जैसे एक मुझे एल्गोरिथम, फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे एक ग्लास ऑफ जूस का एक एल्गोरिथम बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी, 4 ऑरेंजेस लूँगी, पील करूँगी उनको, देन पुट करूँगी उनको जूसर में, देन रन द जूसर एंड एग्जैक्ट एंड कलेक्ट द जूसर इन द ग्लास। देखिए 4 स्टेप्स में मैंने एल्गोरिथम लिख दी। किसकी लिखी? ग्लास ऑफ जूस की। सेम एज इट इज़ हम और भी एल्गोरिथम इसी तरीके से हम बनाते हैं। इसमें हम सीक्वेंस होती है, इंग्लिश में राइटिंग लिखी जाती है, स्टेप्स लिखे जाते हैं, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एक हमें ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो चार्ट आफ्टर एल्गोरिथम बनाया जाता है। एल्गोरिथम बनने के बाद हम फ्लो चार्ट को अप्लाई करते हैं। फ्लो चार्ट में हमारे सिंबल्स होते हैं, शेप्स होते हैं जो हमारी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होते हैं, और जो हर पर्टिकुलर शेप और सिंबल्स होता है उनका अपना पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है। तो फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का। सिंबल्स एंड शेप्स इन द फ्लो चार्ट स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको एग्जैक्टली सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। आइए देखिए फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल्स और शेप्स होती हैं। देखिए सबसे पहली है हमारी ओवल शेप। इसे आप सब जानते हैं, ओवल शेप होती है, ये हमारी स्टार्ट और स्टॉप की शेप होती है। एक चीज और, फ्लो चार्ट हमारा जो वर्क करता है हमेशा टॉप टू बॉटम होता है या फिर लेफ्ट टू राइट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पैलोग्राम। पैलोग्राम में हमारा इनपुट और आउटपुट बॉक्स होता है। जैसे आप कंप्यूटर जानते हैं कि कंप्यूटर में हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इनपुट, नेक्स्ट प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। तो हमारा इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट जो हमारा डेटा है वो हमारा पैलोग्राम में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम सारी प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें हमें प्रोसेसिंग मतलब ऑपरेशंस जितने भी हमें परफॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डायमंड बॉक्स। डायमंड बॉक्स मीन्स डिसीजन बॉक्स, जिसमें हम डिसीजंस लेते हैं कि यस है और नो है, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद कि हमें उसका आंसर यस में मिल रहा है, नो में मिल रहा है, जैसे भी हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो उसके लिए हम डायमंड बॉक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस ये हमें लाइंस बताती हैं कि हमारा फ्लो चार्ट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, कैसे, कौन से ब्लॉक शेप के बाद कौन सा ब्लॉक शेप आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लो लाइंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कल। सर्कल ये हमारा कनेक्टर होता है। जब हमारे को लॉन्ग फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें हम सर्कल का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए आपको मैंने एक बना के दिखाया है, ये एक फ्लो चार्ट है जो हमारा 2 नंबर को ऐड करता है। तो हम सबसे पहले ओवल से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट, नेक्स्ट हमारा एंटर करेंगे 2 नंबर, नंबर 1, नंबर 2, देन हमारा रेक्टेंगल बॉक्स जिसमें मैंने आपको बताया था इसमें प्रोसेसिंग होती है। इसमें क्या है, सम इज इक्वल्स टू नंबर 1 एंड नंबर 2, मतलब मैं नंबर 1 में कोई एक वैल्यू डालूंगी, नंबर 2 में एंड कोई वैल्यू डालूंगी, इन दोनों का सम होगा और सम जाएगा किसमें, SUM, सम में। फिर उसके बाद ये पैलोग्राम है जिसमें मैं डिस्प्ले कर दूंगी सम, मतलब वो मुझे आउटपुट दे देगा जो भी मेरा सम आएगा, देन एंड या स्टॉप। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत इजी है फ्लो चार्ट। थैंक यू।